जन्माष्टमी आने वाली है, कान्हा जी के लिए कुछ तो बनाना बनता है। चलिए सिंहासन बनाते हैं, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जिस साइज का आसन बनाना हो उस साइज की आप थर्माकोल की कटिंग कर लीजिए। तख्ते में जो डिजाइन आपको कट करना है वो आप डिजाइन कट कर लीजिए। थर्माकोल पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब वॉल पुट्टी लेंगे, वॉल पुट्टी से डो तैयार करेंगे। वॉल पुट्टी से डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से आप देख सकते हैं। पतला पतला बेलने के बाद इसे थर्माकोल में लगा दीजिए। थर्माकोल में लगाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ड्राई हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा। अब आप तख्ती में टेपिंग कर दीजिए ब्राउन टेप से। ब्राउन टेप ना हो तो वाइट टेप से कर दीजिए, जिससे इसमें मॉइस्चराइजर नहीं जाएगा जब हम वॉल पुट्टी का काम करेंगे। अब इस कटिंग को वॉल पुट्टी पे रख के एक किसी भी पतली चीज़ से, मैंने सेफ्टी पिन लिया है, इससे आप कटिंग कर लीजिए। बहुत ही स्मूथली कट जाएगा। आप इसी तरीके से पूरा लगा लीजिए। जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप हल्का सा पानी से स्मूथ कर लीजिए। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसमें जब सूखने के बाद ही इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। सारे पार्ट को ड्राई होने दीजिएगा। अब इसमें सैंड पेपर से, जिसे गगमाल भी कहते हैं, इससे बराबर कर लीजिए। इसका नंबर नोट कर लीजिए, 150 है। इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, इससे आप बराबर कर लीजिए। बहुत ही सस्ता मिलता है, आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे अच्छे से स्क्रब कीजिए। इसके डस्ट को ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे। अब इसमें रफली डिजाइन बना लीजिए। जैसे भी आपको डिजाइन चाहिए आप वैसी डिजाइन बना लीजिए। वॉल पुट्टी और फेविकोल से कोन बनाएंगे डिटेलिंग के लिए। अब इसमें डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा कि कोन कैसे बनाते हैं, कोन से आप डिटेलिंग कीजिएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो आप सबके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी पार्ट पे अच्छे से डिटेलिंग कर लीजिए। एक्रेलिक ब्लैक कलर से इसे पेंट कर लीजिए। जितना बॉर्डर इसमें बनाया है बस इसे ही ब्लैक कलर से पेंट करना है। एक्रेलिक रेड कलर से इसके बेस को पेंट कर देंगे। आपका जो भी मनपसंद कलर हो आप उससे पेंट कर लीजिए। इसको पेंट करने के बाद इसमें दो तीन कोट कर दीजिएगा, जिससे अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी, कहीं पैचेस नहीं रहेंगे। एक्रेलिक गोल्ड कलर से आप स्पॉन्ज की मदद से इस पे हल्के हल्के पेंट कर दीजिए, जिससे ये हाईलाइट होने लगेगा। इन सभी पार्ट को वॉल पुट्टी की हेल्प से ज्वाइन कर लीजिए। किसी चीज़ के सहारे इसे रख दीजिए ज्वाइंट होने के लिए। आप वॉल पुट्टी का डो लेंगे, उसमें एक एल्युमिनियम का तार बीच में रख के, एल्युमिनियम हो या आपके पास जो भी तार हो उसे रख के मजबूती के लिए उसमें अंदर से फिल कर देंगे और उसे एक अच्छा सा शेप गोल दे देंगे। अब इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद इसमें आप ऊपर एक शेप गोल देने के लिए गोल शेप बना लीजिएगा, उसमें रख दीजिएगा। इसी तरह आप बाकी के चारों पाया बना लीजिए। पाया ड्राई होने के बाद सिंहासन को किसी ऊंचे जगह पे रख के पाया को वॉल पुट्टी के हेल्प से जॉइंट कर देंगे। अच्छे से ड्राई होने के बाद आप इसमें वार्निश कीजिएगा। वार्निश हो सके तो आप एक हफ्ते बाद कीजिएगा तो अच्छा सा रिजल्ट आएगा। हमने ये वार्निश एशियन पेंट का लिया है, आप कोई भी वार्निश ले सकते हैं। ये भी वार्निश बहुत अच्छा है,
इसको करने के दो दिन तक का इसमें सूखने का वक्त चाहिए। दो दिन में अच्छे से ड्राई हो जाता है, तब तक इसमें कोई भी डस्ट नहीं जाना चाहिए। नियर से आप अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल का सिंहासन बनके तैयार है, सिर्फ राज तिलक होना बाकी है। आप सब लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो जो इस वीडियो को देख रहा है कान्हा जी इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।